शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स। कहानी की शुरुआत हुई एक फ्लैशबैक सीन से। यू वेनवू के हाथ किसी तरह निहायत ही पावरफुल मिस्टिकल मैजिकल रिंग्स लग गए। इन टेन रिंग्स से वेनवू को सुपर ह्यूमन पावर के साथ साथ इमोर्टैलिटी भी मिल गई, यानी जब तक ये रिंग्स इसके पास होंगे वेनवू अमर है। धीरे धीरे वेनवू ने रिंग्स की पावर्स की मदद से दुनिया फतेह करनी शुरू कर दी और फिर इसने अपनी टेन रिंग्स नामी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बना ली। बरसों तक दुनिया भर के अंडरवर्ल्ड पर राज करने के बाद वेनवू को अब कुछ नया चाहिए था कि तभी उसे दूसरे डायमेंशन में बसे एंशियंट विलेज के बारे में पता चला, टालो विलेज, जहां तरह तरह के मिस्टिकल जानवर रहा करते थे। बरसों तक तलाश करने के बाद 1996 में फाइनली वेनवू ने टालो को जाने का रास्ता ढूंढ लिया। रास्ता बहकाने वाले जादुई बैम्बू ट्रीज के जंगल को पार करके वेनवू किसी तरह टालो जाने वाले पोर्टल के पास पहुंच गया, जहां उसने देखा कि टालो की एक निवासी यिंगली दरवाजे की रक्षा कर रही थी। वेनवू को पहले लगा कि वो अपने टेन रिंग्स की मदद से इसे बड़े आसानी से हरा देगा, बट वेनवू का यह प्लान बुरी तरह से फेल होने वाला था। ली ने विलेज से मिले मिस्टिकल पावर की मदद से वेनवू को लड़ाई में हरा दिया। एकदम वन साइडेड मैच। और इसी क्लोज कॉम्बैट के दौरान वेनवू और यिंगली एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। यप, फिर हमने देखा कि ली ये सारी कहानी उसके बच्चे यानी शांग-ची को सुना रही थी। ली ने यहाँ शांग-ची को बताया कि उसे वेनवू को हराने वाले वो पावर्स टालो में बसे ड्रैगन AKA द ग्रेट प्रोटेक्टर से मिले, यानी टालो से बाहर जाने के बाद वो पावर्स नहीं काम करने वाले। इतना बोलकर ली ने शांग-ची को ग्रीन पेंडेंट वाला नेकलेस पहना दिया। ये नेकलेस भटके हुए शांग-ची को उसके घर का रास्ता दिखा देगा। इस घर वापसी के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। शांग-ची ने उसका नाम बदलकर शॉन रख दिया और सैन फ्रांसिस्को में शिफ्ट हो गया। यहाँ शांग-ची उसके बेस्ट फ्रेंड केटी चेन के साथ वैले का काम कर रहा था। इन दोनों को अपना वैले वाला जॉब बहुत पसंद था, बट केटी के घर वाले इनके इस लो पेइंग जॉब से जरा भी खुश नहीं थे। ऐसे एक दिन बस की सवारी करते वक्त शांग-ची के ऊपर 10 रिंग्स के गुंडों का हमला हुआ। शांग-ची ने यहाँ अपने मार्शल आर्ट स्किल्स दिखाकर सबको धूल चटा दी, बट इसी लड़ाई के दौरान रेजर फिस्ट शांग-ची से उसका ग्रीन पेंडेंट वाला नेकलेस छीनने में कामयाब हो गया। ऐसा ही एक ग्रीन नेकलेस शांग-ची की बहन यू झाइलिंग के पास भी है। शांग-ची को अब पूरा यकीन था कि 10 रिंग्स का नेक्स्ट टारगेट उसकी बहन होगी। लकीली झाइलिंग ने इसे एक बार मकाऊ से पोस्ट कार्ड भेजा था, तो उसी के एड्रेस को फॉलो करते हुए शांग-ची उसकी बहन से मिलने चला गया। शांग-ची का यह एक्शन हीरो रूप देखकर केटी काफी हैरान और कंफ्यूज थी। उसे अब सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, तो शांग-ची के साथ ये भी मकाऊ के लिए निकल पड़ी। रास्ते में शांग-ची ने केटी को अपना असली नाम और बैकग्राउंड स्टोरी बता दी। ली के मरने के बाद वेनवू ने शांग-ची को डेथ डीलर के अंडर कड़ी ट्रेनिंग देकर असासिन बना दिया। 7 साल की ट्रेनिंग के बाद किलिंग मशीन बनकर शांग-ची उसके पहले टारगेट को मारने चला गया, बट असाइनमेंट पूरा करने के बजाय शांग-ची सब कुछ पीछे छोड़कर सैन फ्रांसिस्को भाग गया और तब से लेकर आज तक ये शॉन बनकर यहाँ आम इंसान की जिंदगी जी रहा था। पोस्ट कार्ड के एड्रेस को फॉलो करते हुए ये दोनों मकाऊ के गोल्डन डैगर क्लब पहुंच गए। ऊपर जाते वक्त लिफ्ट के अंदर शांग-ची ने एक्सीडेंटली फाइटिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ये मकाऊ का इलीगल फाइट क्लब था। जब ये दोनों अंदर आए थे तब ग्रैंड स्टेज पर अबोमिनेशन और कॉन्ग के बीच फाइट चली थी। यप, ऐसे ही एकदम कैजुअली अबोमिनेशन को एमसीयू में रीइंट्रोड्यूस कर दिया। अबोमिनेशन को हराने के बाद वोंग उसे अपने साथ ट्रेनिंग करने ले गया। इस लड़ाई के बाद अगला नंबर शांग-ची का था। स्टेज पर पहुंचते ही शांग-ची को पता चला कि उसे अपने बहन से ही लड़ना है। शांग-ची को सबके सामने धूल चटाने के बाद झाइलिंग ने उसे बताया कि इसने शांग-ची को कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजा। बचपन में शांग-ची टेंगरिन के साथ साथ अपनी बहन को भी पीछे छोड़कर भाग गया था। बस तब से ये उससे नाराज है। शांग-ची के बाद ये भी टेंगरिन को छोड़कर मकाऊ भाग आई और यहाँ अपना फाइट क्लब शुरू किया। मतलब इसने शांग-ची को वो पोस्ट कार्ड नहीं भेजा था। इससे पहले कि ये दोनों कुछ समझ पाए इन पर टेंगरिन का हमला हो गया। पहले तो झाइलिंग ने सुमड़ी में वहां से निकलने की ठान ली, बट बाद में केटी और शांग-ची को मुसीबत में देखकर वो भी इस लड़ाई का हिस्सा बन गई। शांग-ची उसके बचपन के मेंटर डेथ डीलर को हराकर मारने ही वाला था कि तभी वहां पर वेनवू आ गया। वेनवू ने ऑलरेडी झाइलिंग और केटी को अपने कब्जे में ले लिया था, यानी शांग-ची के पास इनके साथ टेन रिंग्स के बेस पर जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। टेन रिंग्स के हेडक्वार्टर्स पहुंचते ही डिनर के दौरान वेनवू ने सबको अपनी लव स्टोरी सुनाई, तो साथ में पीसफुल जिंदगी बिताने के खातिर ली ने अपना विलेज छोड़ दिया था और वेनवू ने उसके 10 रिंग्स। कुछ सालों तक इनकी जिंदगी एकदम सही चल रही थी, बट फिर वेनवू के पुराने दुश्मन यानी आयन गैंग के मेंबर्स उससे बदला लेने चले आए। उस वक्त वेनवू कहीं बाहर गया हुआ था, तो अपने फैमिली को बचाने की खातिर लड़ाई में ली ने उसकी जान दे दी। ली के मरने के बाद वेनवू ने वो रिंग्स वापस पहन लिए
और फिर से बैड एस क्राइम लॉर्ड बन गया। बट अब वेन्यू को लगता है कि ली मरी नहीं बल्कि टालो के गांव वालों ने उसे किसी मिस्टिकल ब्लैक गेट के पीछे कैद करके रखा है। ली की आवाज वेन्यू को उसे बचाने के लिए बुला रही थी। पहले तो ये सुनकर दोनों को लगा कि बुढ़ाऊ पगला गया, बट वेन्यू के पास इसका प्रूफ है। शांगची और जाइलिंग के ग्रीन पेंडेंट को ड्रैगन के स्टैचू में लगाते ही उनके सामने टालो जाने का रास्ता उभर आया, ऐसा पोर्टल जो सिर्फ किंगमिंग फेस्टिवल के वक्त ओपन होता है। वेन्यू को लगता है कि ली उन्हें रास्ता दिखा रही है। आज से 3 दिन बाद वेन्यू टालो पर हमला करके ली को बचा लेगा, और अगर गांव वालों ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसकी आर्मी सारे गांव को जलाकर राख कर देगी। शांगची और जाइलिंग वेन्यू के इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। ये सुनते ही वेन्यू ने सबको बंकर में बंद कर दिया। उस वाटर बेंडिंग वाले इंसिडेंट को देखकर शाइलिंग को भी वेन्यू की बातों पर भरोसा होने लग गया। अगर वाकई में टालो जैसा कोई एक्स्ट्रा डायमेंशनल जगह है तो हो सकता है कि वहां के लोगों ने वाकई में किसी तरह से ली या उसकी आत्मा को कैद करके रखा होगा। क्या सही है और क्या गलत, ये तो टालो पहुंच कर ही समझेगा। अगर वेन्यू इनसे पहले गांव पहुंच गया तो समझ लो सब कुछ खत्म। इन्हें किसी भी कीमत पर वेन्यू से पहले टालो पहुंचना होगा। इसी प्लानिंग के दौरान इनकी मुलाकात वेन्यू के एक और कैदी से हुई, ट्रेवर AKA आयरन मैन 3 वाला मैंडरीन। वेन्यू इसे पकड़कर मारने वाला था, बट फिर ट्रेवर के एक्टिंग स्किल्स को देखकर टेनिक्स ने उसे अपना चलता फिरता एंटरटेनमेंट सिस्टम बना दिया। ट्रेवर के पास टैलो से लाया एक डिजियंग प्रजाति का पेट है, मॉरिस। टैलो को ढूंढने वाले मिशन के दौरान ही मॉरिस वेन्यू को मिला था। लकीली मॉरिस को टैलो जाने वाले शॉर्टकट रास्ते के बारे में पता है। जाइलिंग सबको सीक्रेट टनल्स के जरिए जेल से बाहर ले आई, फिर रेजर फिश की गाड़ी चुराकर टैलो की ओर निकल पड़े। मॉरिस के बताए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये सही सलामत टैलो पहुंच गए। अंदर आते ही गांव वालों ने इन्हें वापस अपनी दुनिया में जाने को कहा, बट ली की बहन यिंग नान ने ली के बच्चों को पहचान लिया। टालो में स्वागत करने के बाद नान ने इन्हें टालो की हिस्ट्री के बारे में बताया। बरसों पहले दूसरी डायमेंशन से आए मॉन्स्टर ड्वेलर इन द डार्कनेस और उसकी सोल ईटर्स की आर्मी ने टालो को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, बट एन मोमेंट पर द ग्रेट प्रोटेक्टर ने इन्हें बचा लिया और सब ने ड्वेलर और उसकी आर्मी को इस दरवाजे के पीछे कैद कर दिया। दरवाजे के पीछे से ये मॉन्स्टर लोगों के दिमाग को कंट्रोल करके उन्हें ये दरवाजा खोलने के लिए बहकाता है। यानी वेन्यू को सुनाई देने वाली वो आवाजें ली की नहीं बल्कि ड्वेलर इन द डार्कनेस की है। टालो के निवासी द ग्रेट प्रोटेक्टर के शेल से बने कवच और हथियार यूज करते हैं। टालो का हिस्ट्री लेसन खत्म करके सारे वेन्यू से लड़ने की तैयारियों में जुट गए। शांगची के साथ साथ चुपके से जाइनिंग ने भी स्पेशल वेपन के साथ अपनी ट्रेनिंग की थी। शांगची नान के साथ मिस्टिक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने चला गया और केटी बोएन एरो की। उसी रात शांगची ने केटी को बताया कि वेन्यू ने छोटे शांगची को आयन गैंग के लीडर को मारने भेजा था। शांगची ने केटी से झूठ कहा था कि वो काम अधूरा छोड़ के भाग गया। यानी सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट होने से पहले शांगची ने ली के मर्डरर को मार दिया था, और अब शांगची वेन्यू को मारकर सारे मैटर का फुल एंड फाइनल एंड कर देगा। तो शांगची के हिसाब से उसकी मां की मौत की वजह कोई गैंग लीडर नहीं बल्कि वेन्यू है, इनडायरेक्टली। अगली सुबह वेन्यू की आर्मी ने टालो पर हमला कर दिया। शांगची और जाइलिंग नान के दिए स्पेशल कॉच को पहनकर टेंडिंग से लड़ने चले गए। शांगची ने वेन्यू को रोकने की काफी कोशिश की, बट वो उसे तालाब में फेंककर दरवाजे के पास चला गया। वेन्यू के पंचेस से डार्क डोल की सील ढीली होने लग गई और उसके अंदर से सोल ईटर्स बाहर आए। ये सोल ईटर्स लोगों की आत्मा को छीन कर अपने मास्टर यानी ड्वेलर को खिला देंगे ताकि वह पावरफुल होकर दरवाजे को अंदर से तोड़ पाए। सोल ईटर्स लोकल्स के साथ साथ टेंडिंग्स के आर्मी के भी सोल छीनने लग गए, इंक्लूडिंग डेथ डीलर। डेथ डीलर की मौत के बाद रेजर फिस्ट टेंडिंग्स को लेकर टालो के फाइटर्स के साथ मिल गया ताकि वो साथ मिलकर बड़े खतरे को रोक सके। द ग्रेट प्रोटेक्टर शांगची को बचाकर तालाब से बाहर ले आया, और अब ये भी लड़ाई का हिस्सा बन गया। इस बार नान की बताई टेक्निक्स को यूज करके शांगची ने वेन्यू को हरा दिया, बट उसे मारने की बजाय शांगची ने वेन्यू की जान बख्श दी। तभी ड्वेलर दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया और वेन्यू की सोल चूसने लग गया। मरने से पहले वेन्यू ने शांगची को बचाकर वो 10 रिंग्स उसके हवाले कर दिए। ड्वेलर और उसकी आर्मी ग्रेट प्रोटेक्टर पर भारी पड़ने लग गई, बट केटी के बुल्सआई शॉट ने ग्रेट प्रोटेक्टर को बचा लिया। विजयलिंग और शांगची ने ग्रेट प्रोटेक्टर के साथ मिलकर ड्वेलर को हरा दिया, और शांगची ने 10 रिंग्स की मदद से ड्वेलर के चीथड़े उड़ा दिए। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सारे वापस अपनी दुनिया में चले आए। शांगची और केटी इस एडवेंचर के बारे में उनके दोस्तों को बता रहे थे। जॉन और सुकिन की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था कि तभी वोंग पोर्टल ओपन करके वहां चला आया और इन दोनों को अपने साथ कमर ताज ले गया। यहां ये लोग ब्रूस बैनर और कैप्टन मार्वल के साथ मिलकर उन रिंग्स पर रिसर्च कर रहे थे।
सरप्राइजिंगली किसे भी इन रिंग्स के ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं पता वेन वो ऑलमोस्ट 1000 साल से उन रिंग्स को यूज कर रहा था। बट ब्रूस बैनर के हिसाब से वो रिंग्स इससे काफी ज्यादा पुराने हैं। शांगची ने जब वो रिंग्स पहली बार यूज किए थे तब इन्हें कमर ताज में उसका इफेक्ट फील हुआ था। वो रिंग्स किसी को या कहीं पर कॉन्स्टेंटली सिग्नल भेज रहे थे। कौन सा सिग्नल कहाँ जा रहा था उसके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता। एक इधर शांगची ने एवेंजर्स के सर्कस को ज्वाइन कर लिया तो दूसरी तरफ जायलिंग 10 रिंग्स की नई लीडर बन गई। इस नए 10 रिंग्स में जेंडर को लेकर कोई भेदभाव नहीं होने वाला। ऑल बैडस फाइटर्स आर इक्वल। और यहाँ होता है शांगची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।